हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक शॉर्ट एंड क्विक रीडिंग करने वाले हैं रिगार्डिंग टॉरस। अगर सन, मून और राइजिंग की पोजीशन आपकी टॉरस यानी वृषभ राशि है तो रीडिंग आपके लिए है। ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं है, तिथि आप पे ध्यान न देते हो, ध्यान किस पे दें, एनर्जीज पे। और ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पर्सनल नहीं है, तो हो सकता है एनर्जीज मैच करें, हो सकता है ना करें। अगर मैच करती है तो क्लेम करें, अदरवाइज लीव इट। सो प्लीज़ एंजल्स एंड यूनिवर्स गाइड मी फॉर टॉरस वृषभ राशि फ्रॉम 21st of August टू 31st of August 2022। सो लेट्स सी टॉरस वृषभ की टैरो आपके बारे में क्या कहता है। लेट्स स्टार्ट इट। एस ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपका आउटकम है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड आपका बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। ओके, प्लीज एंजल्स इन यूनिवर्स गिव मी अ क्लैरिफिकेशन फॉर एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स, मैं आपकी लाइफ में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आते हुए देख पा रही हूँ कि पास्ट में डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आई है एंड डेफिनेटली आपने उसे ग्रैब किया है फॉर श्योर। एंड करंट में जिस भी रिलेशनशिप वाइज अगर या करियर वाइज आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो फॉर श्योर यू आर इन अ हैप्पी मूड, यू आर इन अ फुलफिल्ड मूड। जो अगर जिस भी पर्सन के साथ आप देख रहे हैं ये रीडिंग, अगर आप रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हैं तो मैं आपका रिकन्सिलिएशन भी देख सकती हूँ। एज आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है फॉर श्योर। आपने काफ़ी एफर्ट्स डाले हैं, काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी स्टेप्स लिए हैं चीज़ों को बेटर करने के लिए एंड प्रोग्रेस करने के लिए एंड टू अचीव समथिंग इन लाइफ। एंड वो मुझे रंग लाती हुई सब नज़र आ रही है। प्लीज़ एंजल्स एंड यूनिवर्स क्लैरिफाई मी एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, यस सी एस ऑफ वॉन्ड्स, मैंने आपको बोला ना। ओके, तो डेफिनेटली कोई एक मेजर अपॉर्चुनिटी आपको मिली है पास में जिसे आपने फॉर श्योर ग्रैब किया है। एंड करंटली मुझे बहुत ज़्यादा रिकन्सिलिएशन, विश फुलफिलमेंट एंड हैप्पीनेस, सक्सेस, हैप्पी मैरिड लाइफ इफ़ यू आर मैरिड, अदरवाइज कंप्लीशन अगर आप फैमिली के टर्म्स में देख रहे हैं या किसी और रिलेशनशिप के टर्म्स में देख रहे हैं तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज हैं। प्लीज़ एंजल्स एंड यूनिवर्स गिव मी क्लैरिफिकेशन फॉर नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपने मेहनत भी बहुत किया, आपने एफर्ट्स भी बहुत डाले हैं, आपने बहुत वर्क किया है इस रिलेशनशिप को या इस करियर को बिल्ड करने के लिए। एंड डिवाइन आपके जो है फेवर में वर्क कर रहा है, आपके मैनिफेस्टेशंस रंग लेकर आ रही हैं। ओके, डेथ, यस, गिव मी अ क्लैरिफिकेशन फॉर पेज ऑफ वॉन्ड्स। क्लैरिफाई मी पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सेवन ऑफ सोर्ड्स। ओके, बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है टॉरस, कि अगर आपको लगता है कि यू नो ईच एंड एवरीथिंग, तो ऐसा नहीं है कि दैट यू नो ईच एंड एवरीथिंग। आपको थोड़ा संभल के चलने की भी ज़रूरत है। ठीक है, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है एंड कंप्लीशन देख सकती हूँ मैं, हैप्पी लाइफ देख सकती हूँ मैं, बट जो है थोड़ा संभल के, ठीक है ना, किसी पे भी एकदम से अंधा विश्वास मत कीजिए। एंड चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा कि आगे कोई आपको धोखा ना दे सके या हर्ट ना कर सके या कोई बैक स्टेप ना कर सके। एंड सब कुछ अपने आप ही करने की ना सोचें, दूसरों की अगर हेल्प लेंगे तो आप जो है और फास्टरली ग्रो कर पाएंगे। बट अपनी नाक कान और आँख खुले रखे, किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है हमें। प्लीज़ एंजल्स एंड यूनिवर्स गाइड मी फॉर टॉरस वृषभ राशि फ्रॉम 21st of August टू 31st of August 2022। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि अपने जो भी सपने हैं या जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं उन पे भरोसा रखिए। एज मैं आपको बोल रही हूँ कि आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है, सो जिस भी कंसर्न में आप ये रीडिंग देख रहे हैं या आपके जो भी डिज़ायर्स हैं, ड्रीम्स हैं, हैव फेथ इन दैट, यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन योर फेवर।
जो भी आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, अफर्मेशंस कर रहे हैं, कीप डूइंग इट एज वो आपको काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाले हैं. प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर टॉरस वृषभ राशि फ्रॉम 21st of August टू 31st of August. ओके, अबंडेंस. सी, मैं आपको बोल रही हूँ कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है. हैप्पी लाइफ मैं आपकी देख रही हूँ, हैप्पी मैरिड लाइफ, रिकन्सिलिएशन मैं देख रही हूँ. सो एंजल्स भी यही कंफर्म कर रहे हैं दैट अबंडेंस इज ऑन योर वे. सो कीप योर मैनिफेस्टेशंस गोइंग. आइए देख लेते हैं आपके लव मैसेजेस. प्लीज एंजल्स एंड यूनिवर्स गाइड मी फॉर टॉरस वृषभ राशि फ्रॉम 21st of August टू 31st of August 2022. ओके, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू. सी, मैं भी आपको बोल रही थी कि अगर आपको लगता है कि आपको सब पता है तो आपको सब नहीं पता है टॉरस. अगर आपको लगता है आप सब अपने आप कर लेंगे तो आप नहीं कर सकते सब अपने आप, आपको दूसरों की हेल्प की ज़रूरत है. बट व्हाट आई से कि अपने कान ना कर, आप खुले रखिए, किसी पे अंधविश्वास मत कीजिए. एंड हेयर ये कंफर्मेशन है कि जो भी रेड फ्लैग्स हैं उन पे ध्यान दीजिए ताकि आपको कोई धोखा ना कर दे सके, स्टेप बैक ना कर सके. सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू टॉरस. होप दिस रीडिंग हेल्प्स. ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.